नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में मिला एक और कोरोना मरीज, कलेक्टर ने की पुष्टि। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 283। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। कलेक्टर अय्याज तंबोली ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, वहीं आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, नए मरीज मिलने के बाद अब राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 283 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर किया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नमन किया है। भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि पंडित नेहरू भारत भूमि के अनमोल रत्न थे, जिन्होंने देश को स्वाधीनता से लेकर इसके नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जन जन के प्रिय नेता है। आज भी भारतवासियों के दिल दिमाग में उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना पर ली बैठक, मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर प्रदेश में कोविड-19 संकट की वर्तमान स्थिति, संकट से बचाव और रोकथाम के उपायों, संक्रमित मरीजों के इलाज, क्वारंटाइन आइसोलेशन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख पार, 24 घंटे में 6,387 नए केस। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण में ताबड़तोड़ वृद्धि जारी है और इसके पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और करीब 170 लोगों की मौतें हुई हैं। बुधवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1,51,767 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बाद अब हांगकांग मसले पर बरसे ट्रंप, कहा चीन पर एक हफ्ते में बड़ा फैसला। कोरोना वायरस संकट के कारण दुनिया भर में आलोचना का शिकार हो रहा चीन एक बार फिर हर किसी के निशाने पर है। हांगकांग पर अपना प्रभुत्व जताने वाला चीन एक नया कानून लाया है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का नाम दिया गया है। इस कानून का हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हांगकांग में जो चीन कर रहा है वो ठीक नहीं है, हम इस पर जल्द फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में सियासी तकरार, गठबंधन की हो रही बैठक। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में पल पल खेल बदल रहा है। पिछले कई दिनों से राज्य में सियासी उठापटक चल रही है। बीजेपी लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव सरकार कोरोना का सामना करने में नाकाम साबित हो रही है। इस बीच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी के सवाल पर हार्वर्ड के हेल्थ एक्सपर्ट बोले, वैक्सीन अगले साल तक आने की उम्मीद, भारत को 50-60 करोड़ वैक्सीन की होगी आवश्यकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर आज दो इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा की। ये एक्सपर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक थे। कोरोना के वैक्सीन पर प्रोफेसर झा ने कहा कि अमेरिका, चीन और ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन रिसर्च के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पहला वैक्सीन अगले साल तक आने का भरोसा है। भारत के लिए 50-60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। लॉकडाउन फेल बताने पर राहुल गांधी को रविशंकर का जवाब, झूठ ना फैलाए, देख ले दुनिया के आंकड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लॉकडाउन के फेल होने के आरोपों पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जो बयान दिया गया है वो गलत है। रविशंकर प्रसाद ने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के टॉप 15 देशों की कुल आबादी 142 करोड़ है, भारत की आबादी 137 करोड़ है।
इन 15 देशों में 3,43,000 से अधिक लोग मर गए हैं, लेकिन हमारे देश में 4,000 के आसपास मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ फैला रहे हैं, अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसे में लॉकडाउन ही एक उपाय है। कोरोना से जंग जीतने के बाद लगातार मदद कर रही जोआ मोरानी, दूसरी बार डोनेट किया प्लाज्मा। जोआ मोरानी ने दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट किया है। खुद कोरोना से जंग जीतने के बाद जोआ अभी दूसरे मरीजों के दिल खोलकर मदद कर रही है। वे अपनी तरफ से इस जंग में पूरा योगदान दे रही है। जोआ की ये मेहनत रंग भी ला रही है। वे ट्वीट कर कहती है कि प्लाज्मा डोनेशन का राउंड 2। पिछली बार जब किया था तब एक मरीज आईसीयू से बाहर आ गया था। मेरे डॉक्टर ने भी कहा है कि कोरोना से जंग जीता हर मरीज प्लाज्मा डोनेट करेगा तो किसी ना किसी की मदद तो होगी ही। भारत से छीन सकती है T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी। टैक्स विवाद के कारण ICC ने BCCI को दी धमकी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक बार फिर टैक्स के मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। इसका असर भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2021 पर पड़ सकता है। ICC ने BCCI से वर्ल्ड कप के लिए भारत सरकार से टैक्स में छूट की बात कही थी, लेकिन बोर्ड इसमें नाकाम रहा। इस कारण ICC ने वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की धमकी दी है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। डाइनिंग टेबल का वास्तु शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। डाइनिंग टेबल के ऊपर हम अपने भोजन को और अपने सब्जी को या हम अपने फल फूल को उसके ऊपर में फल को रखते हैं, तो एक प्रकार से यह समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो इस समृद्धि को और बढ़ाने के लिए डाइनिंग टेबल के ठीक सामने वाली उत्तर या पूरब की दीवार पे हम एक मिरर लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं और डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे हुए वो सामग्री, खाने पीने की जो सामग्री है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको हम कई गुना बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो उनको बढ़ाने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए आइए आप अपने डाइनिंग टेबल पे उसके ठीक सामने वाली दीवार पे एक मिरर लगा के रिफ्लेक्ट करें।